नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नाक की एलर्जी जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं, एक बहुत ही कॉमन समस्या है। अक्सर लोग नाक की एलर्जी से परेशान रहते हैं, जिसमें नाक से बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होता है, जिसे कुराइजा कहा जाता है, और स्नीजिंग यानी छींकें आती हैं कि जो इतनी ज्यादा होती हैं कि पेशेंट एकदम परेशान हो जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं, आंख से भी पानी गिरने लगता है और किसी काम में मन नहीं लगता। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है, अक्सर लोग इससे परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने को असहाय महसूस करते हैं कि क्या हमारी समस्या का कोई स्थायी निदान है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नाक की एलर्जी बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसमें जो पेशेंट होता है उसकी नाक से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरता है, डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग यानी छींकें आती हैं, सिर में भारीपन रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली भी होती है, आंख से भी पानी गिरता है और जैसे जैसे ये बीमारी नीचे रेस्पायरेटरी ट्रैक में उतरती है, वैसे ही ब्रोंकाइटिस यानी कि जो गले की नलियाँ हैं उसमें सूजन हो जाती है, खांसी आने लगती है और खांसी बढ़ते बढ़ते एस्थमेटिक रूप भी ले लेती है। दिखने में सिंपल सी एलर्जी, चाहे वो धूल के कणों से हो, परफ्यूम से हो, पॉलन ग्रेन से हो, लेकिन करते करते जब ये अटैक करती है तो कितना सीवियर पेशेंट को परेशान कर देती है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को डील करना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सोशल लाइफ प्रभावित होती है, आपका वर्क प्रभावित होता है और आपके कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। होम्योपैथी की भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि होम्योपैथी में इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ना सिर्फ अच्छी दवाइयां मौजूद हैं, बल्कि अगर उनको सही तरीके से सही पावर में, पोटेंसी में दिया जाए तो उसकी प्रॉब्लम को ये जड़ से ठीक भी कर सकती हैं। एलर्जी के पेशेंट की अगर बात करें तो जब पॉलन ग्रेन्स का या फिर धूल के कणों से इस तरीके के लोगों का सामना होता है तो उनके अंदर एक एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे नाक में मौजूद जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसमें एक कैटराल कंडीशन हो जाती है, यानी वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, उनसे डिस्चार्ज होने लगता है। ये एक तरीके का प्रक्रिया है उन लोगों के अंदर जो कि इन फॉरेन बॉडी को पहचान नहीं पाते, यानी उनको जो इस तरीके की फॉरेन बॉडीज हैं उससे एक बहुत ही सीवियर एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न होता है। नॉर्मली सब लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता है, सब लोगों के अंदर इस तरीके के गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। तो जब इस तरीके के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, धूल के कण हैं, हमारी नाक की झिल्लियों पर अटैक करते हैं तो बहुत ही सीवियर इस तरीके के रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से सीवियर कुराइजा होता है, स्नीजिंग होने लगती है, हेडेक होता है यानी सिर में भारीपन रहता है, और जब ये हमारे लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक में ये एलर्जन जाते हैं, ये रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से कैटराल कंडीशन होती है, गले में ब्रोंकाइटिस या सूजन हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और साथ ही साथ खांसी भी आने लगती है। इन्हीं सिम्टम्स से मिलती जुलती होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसको इस कंडीशन में प्रयोग किया जा सकता है और वो है जस्टिशिया एडाटोडा। दोस्तों, जस्टिशिया एडाटोडा एक श्रब है, एक ऐसा छोटा सा जड़ी बूटी वाला प्लांट है जिससे कि ये मेडिसिन तैयार की जाती है। वसाका नाम से इसको आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है, अन्य पैथीज में भी इस्तेमाल किया जाता है और होम्योपैथी में इसे जस्टिशिया एडाटोडा नाम से पोटेंटाइज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्यूट कंडीशन में, यानी कि जब बीमारी की जो शुरुआती जो अटैक होती है, स्टेज होती है, उसमें ये मेडिसिन सबसे अच्छा कार्य करती है। पेशेंट को सिर में भारीपन रहता है, हेडेक होता है, पेशेंट इरिटेबल नेचर का होता है, नाक से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, फ्लुएंट कुराइजा होता है, बहुत ज्यादा आंखों में खुजली होती है, स्नीजिंग होती है, छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, छींकें आने लगती हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। इसके बाद जब ये इन्फेक्शन हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक में जाता है तो वहाँ ब्रोंकाइटिस यानी कि जो फेफड़े की जो नलियां हैं उसमें भी सूजन पैदा करता है, इसकी वजह से ड्राई कफ हो जाता है, सूखी खांसी आने लगती है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि हमेशा ड्राई कफ जब रहेगा तभी जस्टिशिया अच्छा काम करेगी। म्यूकस जनरेट होता है लेकिन वो म्यूकस काफ़ी टेनेशियस नेचर का होता है, गले में चिपक जाता है, जल्दी निकलता नहीं है और धीरे धीरे करके ये जो खांसी होती है इतनी सीवियर होती है कि बिल्कुल दौरे वाली खांसी होती है, पेशेंट की खांसी रुकने का नाम ही नहीं लगती लेती है, लगता है कि जैसे कि अभी हमारे प्राण ही चले जाएंगे।
पेशेंट को एहसास होता है कि जैसे सीने में कोई जगह नहीं बची है, ऐसा लगता है कि उसका सीना एकदम कंस्ट्रिक्टेड सा महसूस होता है, कंस्ट्रिक्शन जैसी फीलिंग आती है, एस्थमेटिक ब्रीदिंग होने लगती है यानी सांस भी फूलने लगती हैं। तो देखा आपने दोस्तों कितनी सीवियर कंडीशन से जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं वो गुजरते हैं। ऐसे में कोई मेडिसिन अगर उनको फायदा पहुंचा सकती है तो डेफिनेटली इसे बताना हम डॉक्टर्स का फर्ज है कि आपको इस तरीके की मेडिसिन को, अगर ऐसा कोई पेशेंट है आपके जानकारी में, आपके घर में है, तो आप इस मेडिसिन को एक रेस्क्यू रेमेडी के तौर पर रख सकते हैं। अक्सर लोग एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक्स जैसे कि सिट्रिजिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्थायी निदान नहीं दे सकती है। यानी जब तक आप मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए तब तक आपको थोड़ी राहत है, जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता है वैसे ही बीमारी शुरू हो जाती है। लेकिन वही जस्टिशिया एरेटोडा जो मेडिसिन है, अगर इन सिम्टम्स को कोरस्पॉन्ड करके दी जा रही है तो ना सिर्फ ये उस पेशेंट के सिम्टम्स को रिलैक्स करेगी बल्कि धीरे धीरे करके ऐसी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में डेवलप करेगी, ऐसी ताकत डेवलप करेगी जो धीरे धीरे करके इस एलर्जी को ही पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। बात कर लेते हैं इसकी पोटेंसी की, किस पोटेंसी में इसको यूज करना चाहिए। तो लोअर पोटेंसीज यानी 630 एंड मदर टिंचर सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं एक्यूट कंडीशंस में। और इस तरह की कंडीशन अगर उत्पन्न होती है तो मेडिसिन को दो दो बूंद करके 3-3 घंटे पर या सुबह दोपहर शाम 3 बार करके भी लिया जा सकता है। अगर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही है उस पेशेंट पे, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट को एकदम उस दवा से राहत मिल चुकी है, तो अब हम ये भी सोचते हैं एज अ डॉक्टर कि इसकी परेशानी को जड़ से कैसे दूर किया जाए। वहां पर काम करेगी हमारी इसी मेडिसिन की हायर पोटेंसीज, यानी जो मेडिसिन की हायर पोटेंसीज होती हैं वो बीमारी को जड़ से भी मिटाती हैं। वहां पर 1M पोटेंसी का यूज किया जाएगा पेशेंट के लक्षणों के आधार पर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का एलर्जिक राइनाइटिस पे बेस्ड वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने आज कुछ नया जाना होगा कि जी हाँ एलर्जी को भी जड़ से ठीक किया जा सकता है। अक्सर या 90% लोग ऐसा मानते हैं कि एलर्जी का कोई इलाज मौजूद नहीं है। एक बात जो भी मैं और बताना चाहूंगी एलर्जी के पेशेंट्स को कि आप इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि किस चीज से आपको एलर्जी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल धूल से है कि पराग कणों से है, इसके अलावा परफ्यूम से है या किसी पेंट की स्मेल से हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ समय तक इस दवा के प्रयोग के दौरान आप उससे बचिए। अगर आप अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं इन चीज़ों के एक्सपोजर से, तो आप इस मेडिसिन को काम करने के लिए एक मौका देते हैं, एक माहौल देते हैं जिससे कि ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बना देती है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक ताकि लोगों की ये काम की जानकारी पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिले। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ काम की जानकारी लेकर जिससे कि हमारे समाज में एक नया बदलाव आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।